हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर होगा, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा महाराजा हरि सिंह के बारे में। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह को कवर करने के बाद उसके बाद जो 1947 के बाद जो इवेंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उनके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लूँगा। फिलहाल एक लेक्चर आएगा, ये वाला है महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर, इसके बाद महाराजा हरि सिंह के ऊपर। ओके, उनकी, ठीक है ना, 1947 तक होगा वो, और उसके बाद 1947 के आगे के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा। तो शायद आगे इस लेक्चर के अलावा दो और लेक्चर आ जाएंगे, या हो सकता है तीन आ जाएं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दो तो आ ही जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, कोई भी किसी भी लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर उनकी पीडीएफ मैंने अपलोड की हुई है अपने इस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप उनका प्रिंट निकालना चाहें या कुछ भी, तो यहाँ पर आप ले सकते हो। और यहाँ पर बाकी भी मटेरियल मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यहाँ पर जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ वही आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बाकी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का हो, जेकेपीएससी का हो, या फिर बाकी दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी का हो, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर कलेक्ट किया हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं महाराजा प्रताप सिंह की। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। इनकी बर्थ की बात करें तो जुलाई 1848 के अंदर, या कुछ बुक्स में 1850 भी दिया है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लेना, दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है ना, या तो 1848 होगा या तो 1850 होगा। ठीक है, तो कहाँ पर पैदा हुए हैं, रियासी के अंदर पैदा हुए हैं। तो देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मैं आपको क्या बताऊँ, आपको मालूम है JKSS भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकती है। आप ये नहीं बता सकते कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, ये JKPSI का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर बच्चे लगे कि नहीं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या आएगा, रीऑर्गेनाइजेशन, अब देखो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही कितने क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ उसको छोटा मत समझो। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको अगर याद कर सकते हो तो कर लो और उसको लो। आई बात समझ? तो रियासी के अंदर ये पैदा हुए थे, और डेथ इनकी हुई है सितंबर 1925 के अंदर। इनके फादर की बात करें तो फादर इनके महाराजा रणबीर सिंह, और कॉरोनेशन की बात करें तो 1885 में जब महाराजा रणबीर सिंह की डेथ हो जाती है, मैं शायद जल्दी बता रहा हूँ, मैं आराम से बताता हूँ। ओके, महाराजा रणबीर सिंह जी जो महाराजा प्रताप सिंह के क्या हैं, फादर हैं महाराजा रणबीर सिंह, उनकी डेथ हो जाती है 1885 के अंदर, और 1885 के अंदर ही इनका कॉरोनेशन होता है। इनकी माँ का नाम था महारानी सुबदेवी, इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, कहाँ की थी ये, हिमाचल की थी। ओके, तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन महाराजा प्रताप सिंह के बारे में, कौन हैं, कहाँ के हैं, माँ का नाम, बाप का नाम, कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इस लेक्चर को मैंने कैसे डिवाइड किया है, इस लेक्चर को मैंने बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बनाया है। देखो, मैं अगर चाहता मैं आपको मोटे मोटे फैक्ट जो छोटी मोटी ये 100-150 की जो बुक्स होती हैं उनके ऊपर दिया हुआ होता है, मैं वैसे आपको यहाँ पर लेकर अपना काम कर सकता था, लेकिन मुझे खुद को वैसे सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, जो सच्ची बात है। मैंने बहुत सारे, मैं जब भी यहाँ पर कंटेंट बनाता हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करता हूँ, और फिर जाकर जो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगता है, मैं पहले नोट्स बनाता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, और वही यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, इन केस मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आपको मालूम होगा, मैं आपको बता दूं, अगर नहीं मालूम होगा मैं नीचे कमेंट किया करो, पिन कमेंट जो होती है वहाँ पर मैंने करेक्शन की हुई होती है। तो कोई भी वीडियो के ऊपर कोई भी उंगली खड़ी करने से पहले तो एक बार पिन कमेंट देख लेना। ठीक है, अगर उसके बाद भी लगता हुआ है तो आप प्लीज़ बता दिया करो, मैं उसको करेक्शन कर दिया करूँगा। ठीक है, तो अब लेक्चर की बात करते हैं, तो मैंने इसको एक कहानी की तरह बनाया है। ठीक है, तो कहानी की तरह याद रखोगे तो जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनके टाइम पे, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो सारे आपको याद रखेंगे रहेंगे, और इसी तरह से आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से निकाल पाओगे। वरना क्या होगा, अगर आप सीधे फैक्ट याद करने बैठोगे, अच्छा इसके टाइम पे ये हो, उसके टाइम पे ये हुआ, अभी आपने रट लिया, लेकिन पेपर में जब ऑप्शंस आएंगे वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसा होता है। ठीक है ना, जीके के बुक जो लेकर बैठते हैं, जीके की बुक को रट्टा मारने, वैसे काम नहीं चलता है। ठीक है, कहानी अच्छे से याद रखोगे, हिस्ट्री का पढ़ने का यही तरीका होता है, इसको कहानी की तरह याद रखो, बिल्कुल एक फिल्म की तरह याद रखो। ठीक है, अब अर्ली प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली। देखिए, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड, जो पीजेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसके साथ कैसे डील किया। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेटेड थी, काफ़ी ज़्यादा खराबी थी, उसके साथ कैसे डील किया। रेगुलर फ्लड्स हो रहे थे, फाइनेंशियल बैंकरप्सी चल रही थी, और पावर स्ट्रगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर स्ट्रगल के ऊपर मैं अच्छे से बात करूँगा। पावर स्ट्रगल से बहुत सारी बातें निकलेंगी,
क्योंकि पावर स्ट्रगल जो था इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है महाराजा प्रताप सिंह के लिए, क्योंकि पावर के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पावर स्ट्रगल की बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोरोनेशन के बाद ही इन्हें पावर स्ट्रगल, इनका पावर स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो पावर स्ट्रगल की बात करता हूँ और उसके बाद बाकी जो चीज़ें आएंगी आराम आराम से क्रोनोलॉजिकली उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पावर स्ट्रगल की। अब इसमें क्या याद रखना, देखिए जो पहले ब्रिटिश रेजिडेंट थे सर ओलिवर सेंट जॉन, सर ओलिवर सेंट जॉन कौन थे, ये पहले ब्रिटिश रेजिडेंट थे जम्मू एंड कश्मीर के। इनके बाद आते हैं 1888 के अंदर सी प्लोडेन। तो ये जो सी प्लोडेन थे या सी पोडेन आप इनको पढ़ो, इन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। अमर सिंह जो इनके छोटे भाई थे, अमर सिंह किसका छोटा भाई है, महाराजा प्रताप सिंह का छोटा भाई, बेसिकली जो महाराजा रणवीर सिंह है, जो महाराजा रणवीर सिंह है, मैंने कहा फादर इनके, ठीक है ना, जो महाराजा रणवीर सिंह है उनके दो बेटे हैं, एक तो आया प्रताप सिंह बड़ा वाला लड़का और जो छोटा वाला लड़का है वो है अमर सिंह। और ये अमर सिंह कौन है, ये अमर सिंह हरि सिंह जो आगे आएंगे उनके पिता हैं ये। ओके, तो सी प्लोडेन ने क्या काम किया, अमर सिंह के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो महाराजा प्रताप सिंह के लिए क्रिएट की, इसके चलते इन्हें थ्रोन एबडिक्ट करना पड़ा इन फेवर ऑफ कौंसल ऑफ रेजेंसी। एक कौंसल बनाई गई कि भाई चलो राजा नहीं है, अब ये कौंसल जो है सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगी यही कौंसल लेगी, और इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया था, अमर सिंह को बनाया गया था। ओके, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट निकलता है कि अगर ये पूछा जाए किस इनमें से किस महाराजा ने, डोगरा डायनेस्टी के किस महाराजा ने अपने थ्रोन को एबडिक्ट किया था, एबडिक्ट का मतलब होता है खुद छोड़ देना, किसी प्रॉब्लम की वजह से खुद छोड़ देना, अनविलिंगली छोड़ देना। ओके, तो अपने तो किसने छोड़ा था, महाराजा प्रताप सिंह ने छोड़ा था। उसके बाद क्या होता है 1905 में जब कौंसल को एबॉलिश किया जाता, कौन सा, ये जो कौंसल ऑफ रेजेंसी थी जिसके अमर सिंह प्रेसिडेंट थे, जब इसको एबॉलिश किया जाता है तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो पावर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो पावर कौंसल ऑफ रेजेंसी के पास थी वो महाराजा प्रताप सिंह को पावर दे देते हैं। लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर कब होता है, 1909 में अमर सिंह की डेथ हो जाती है। ओके, इनके अमर सिंह का बेटा था हरि सिंह, वो कहानी आगे आएगी, हरि सिंह, ठीक है ना, फिर उनको ब्रिटिशर ले जाते हैं, वो उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं, सब कुछ वो बाद की कहानी है। ठीक है, 1909 में अमर सिंह की डेथ हो जाती है। 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो फिर कंप्लीट पावर जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर कर देते हैं, और पावर किसके पास आ जाती है, महाराजा प्रताप सिंह के पास आती है। यानी ये जो कर्जन ने किया था ना, ये कर्जन कौन सा कर्जन है, ये वही है बंगाल पार्टीशन वाला 1905, यहाँ पर भी 1905 ही है, ये वही है। ठीक है, इसने पावर ट्रांसफ़र की थी लेकिन कंप्लीट पावर जो है ट्रांसफ़र नहीं की थी। कंप्लीट जो ट्रांसफ़र हुआ था पावर का वो किसके टाइम पे हुआ था, और वो किसने किया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ठीक है, ये बात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देखिए पावर स्ट्रगल में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इतना याद रखना है, यहाँ से देखो कितने पॉइंट निकलते हैं। पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, भाई सर ओलिवर सेंट जॉन। उसके बाद कौन आया, सी प्लोडेन। उसके बाद क्या हुआ, किस राजा ने थ्रोन एबडिक्ट किया, तो महाराजा प्रताप सिंह ने एबडिक्ट किया। कौंसल ऑफ रेजेंसी बनी थी उसका प्रेसिडेंट कौन था, अमर सिंह था। या कौंसल ऑफ रेजेंसी किसके टाइम पे बनी थी, वो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे बनी थी। ठीक है, एक पार्शल ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया था महाराजा प्रताप सिंह के डिवोर्स, और वो किसने किया था, कर्जन ने किया था। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो किसने किया था, वो किया था चेम्सफोर्ड ने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ पावर स्ट्रगल, ठीक है, अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। अब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में आपको क्या ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये मैंने डायरेक्ट सीधे अपने नोट से फोटो उठाया है, इसमें उतना याद नहीं रखना। देखो क्या हुआ था, मैंने कहा था एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट चल रहा था, पीजेंट्स बिल्कुल खुश नहीं थे। तो इन्होंने क्या काम किया, सर वॉल्टर लॉरेंस के साथ, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो आए थे महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे, उसके पीछे माइंड कौन था, तो माइंड कौन था, वो सर वॉल्टर लॉरेंस थे। ओके, तो क्या काम किया था, ऊपर ऊपर से जो मोटे मोटे पॉइंट है वो बता देता हूँ। 14 साल के लिए जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया था, भाई इतना आप प्रोड्यूस करोगे इतना आपको स्टेट को देना है, 14 साल के लिए फिक्स रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे इसको बढ़ाना है या कम करना है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, लेकिन 14 साल के लिए फिक्स किया था। हो सकता है ये पूछ ले कितने साल के लिए फिक्स किया था, याद रखना। लैंड रेवेन्यू को कहा गया भाई लैंड रेवेन्यू जब दिया जाएगा ना वो कैश में, ओनली कैश, सिर्फ कैश लिया जाएगा। ओके, उसके अलावा जो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसको बंद कर दिया गया। फोर्स्ड लेबर को कम्प्लीटली अबॉलिश किया गया 1920 के अंदर, इलीगल एक्सट्रैक्शन जो होती थी उसको भी कम्प्लीटली अबॉलिश किया गया न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर। ओके,
अब बात करते हैं इनके टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो बात करते हैं मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मीन्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अभी इनके टाइम पे क्या होता है, जो वैली होती है उसको कार्ट रोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से आप देखोगे टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स देखने को मिलता है। तो झीलम वैली कार्ट रोड 1880 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, 10 साल के अंदर अंदर 1890s में ये कंप्लीट हो जाती है फ्राम कोहला टू बारामूला। बानीहाल कार्ट रोड भी 1950 में कंप्लीट हो जाती है और 1922 के अंदर इसको लोगों के लिए भी खोल दिया जाता है। ठीक है, जाओ घूमो मज़े करो। सियालकोट जम्मू, सियालकोट से जम्मू तक, ठीक है, रेलवे लाइन लिंक्ड अप जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के साथ ही जोड़ दिया। बेसिकली हो क्या रहा था, देखो आपने देखा होगा अभी यहाँ पर जब पावर स्ट्रगल हम पढ़ रहे थे, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई प्रिंसली स्टेट तो हमारी है, किंगडम तो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर का, ये कर्जन और ये चेम्सफोर्ड यहाँ पर क्या करें, महाराजा गुलाब सिंह ने तो खरीद लिया था पैसे देकर। बात ऐसी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट थी। अगर आपने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि इंडिया जो था ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। जब ब्रिटिशर्स के टाइम कॉलोनियल टाइम पीरियड में इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी और दूसरी हुआ करती थी प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंसेस में डायरेक्ट सीधे सीधे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है ना, गवर्नर बैठा करता था वहाँ पर। लेकिन प्रिंसली स्टेट में क्या होता था, यहाँ पर राजा हुआ करता था, लेकिन राजा जो है कंप्लीटली सॉवरन नहीं हुआ करता था, उसने अपनी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की हुई होती थी ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप देखोगे ये ब्रिटिशर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया करते थे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। ओके, अब आगे बात करते हैं और क्या कौन सी डेवलपमेंट हुई। तो टेलीग्राफ लाइन जो है, जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वहाँ पर सेटअप किया गया था। इवन के जो टेलीफोन कनेक्शन थे वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू से कश्मीर के लिए सेटअप किए गए थे। और जो जो इंपॉर्टेंट जगह थी, इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, वहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन और टेलीग्राफ लाइन जो है ये इस्टेब्लिश कर दी गई थी या लगा दी गई थी। ठीक है, ये हो गए कम्युनिकेशन के रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं टूरिज्म की। अब जैसे मैंने कहा, अब वैली को कनेक्ट कर दिया गया थ्रू आउट इंडिया के साथ, वैली को तो जम्मू के साथ कनेक्ट किया गया और जम्मू को जो है ब्रिटिश इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो इसकी वजह से हमें एक टूरिज्म का एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स, ये इन्फ्लक्स है, इन्फ्लक्स लिखा है मैंने, IN है, ठीक है, इन्फ्लक्स का मतलब एक बहाव, ठीक है, यानी पहले इतना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते थे जितने अब लगे आने, इसका ये मतलब है। और यहाँ पर पहली हमें हाउस बोट देखने को मिलती है जिसका नाम कश्मीर प्रिंसेस थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, पंडित नारायण दास ने। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेडिकल में इन्होंने क्या काम किया है, 1894 में फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन दी गई थी समाल पॉक्स के अगेंस्ट। ओके, वेल इक्विप्ड मॉडर्न हॉस्पिटल जो है श्रीनगर में सेटअप किया गया था। डॉक्टर ए मित्रा पहले CMO थे श्रीनगर के, और इन्हीं के एफर्ट्स के चलते जो है म्यूनसिपैलिटी श्रीनगर में इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, हो सकता है मैं शायद ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँगा। अब बात करते हैं सेरिकल्चर और बाकी इंडस्ट्रीज़ की। तो पहली सिल्क इंडस्ट्री, एक सेकेंड, सेरिकल्चर जो है वैली में 1897 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद पहली सिल्क इंडस्ट्री जो है 1907 में श्रीनगर में सेटअप की गई थी, और दो साल के बाद 1909 में जम्मू के अंदर भी सेटअप की गई थी। और जम्मू में जो सेटअप की गई थी सिल्क इंडस्ट्री, इसको क्रॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा गोल्ड मेडल भी दिया गया था इसके काम के लिए। 1891 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सेटअप किया गया था। 1911 में फॉरेस्ट्री स्कूल सेटअप किया गया था बांडीपुरा के अंदर। ये सारी डेवलपमेंट्स किसके टाइम पे हुई, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे हुई हैं। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन जो है इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में भी इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज की बात करें तो ये सेटअप किया गया है 1909 में जम्मू के अंदर। और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ये आज कहाँ है और इसका नया नाम क्या है। ठीक है, सबको मालूम होगा, सबने इस कॉलेज का नाम तो सुना होगा, वैसे भी सुर्खियों में रहता है। ठीक है, और बहुत बहुत फेमस कॉलेज है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है, ठीक है ना। तो इसका आज का नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगी। उसके बाद 1905 के अंदर श्री प्रताप कॉलेज भी श्रीनगर में सेटअप किया जाता है, और एक म्यूज़ियम भी इसी नाम से श्री प्रताप म्यूज़ियम जो है ये कहाँ पर, श्रीनगर के अंदर सेटअप किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम की। तो देखिए प्रताप केनाल, अपर झीलम केनाल, रणबीर केनाल, और ये जो रणबीर केनाल है ये सबसे लंबी केनाल थी, उज केनाल, ये केनाल्स महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे की गई। और जो पुरानी केनाल्स थी उनको भी रिपेयर किया गया, नई केनाल्स तो बनाई लेकिन जो पुरानी थी उनको भी रिपेयर किया गया। फ्लड कंट्रोल के लिए नई स्कीम्स बनाई, जैसे जो दरिया थे उनको क्या काम किया गया, वहाँ पर साफ़ सफाई की गई। साफ़ सफाई इन द सेंस जो पत्थर थे बड़े बड़े उनको हटाने का काम किया गया। एम्बैकमेंट्स बनाए दरिया के साइड पे ताकि जो एक्सेस जो वाटर जब फ्लड आता है वो फसलों को तबाह ना करे। उसके बाद
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो है इसको कमीशन गया था 1905 में, और ये कितना था 4 मेगावाट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके टाइम पे? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। और जैसे मैंने कहा कि रणबीर कैनाल जो है ये सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल थी। वाटर रिजर्वायर जो है एक हाड़वन के अंदर इसको भी बना दिया गया था। बाकी अचीवमेंट्स की बात करें, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग सेटअप किया गया था, इटली और फ्रांस से सीड यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते थे, और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किए जाने लगी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर। ओके, तो ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है, ये जितनी भी अचीवमेंट थी, ये थी महाराजा प्रताप सिंह की। और मैंने इनको एक कहानी की तरह जितनी मुझसे मतलब पॉसिबल हो सकता था, द बेस्ट जो मैं कर सकता था वो उस तरह से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं इनके सक्सेसर की, जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद, इनकी जब डेथ हुई सेप्टेम्बर 1925 के अंदर, तो उसके बाद महाराजा अभी नहीं बने, हरि सिंह को नया महाराजा बनाया, और इसके बाद इनको महाराजा हरि सिंह कहा जाएगा। और ये कौन थे? क्या ये प्रताप सिंह के बेटे थे? नहीं, प्रताप सिंह के जो छोटे भाई थे ना अमर सिंह, उनका बेटा था हरि सिंह। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि महाराजा प्रताप सिंह के कोई मेल हायर नहीं था, तो इसी के चलते इनका जो छोटा भाई था अमर सिंह, इनके बेटे हरि सिंह को बनाया जाता है नया महाराजा। ठीक है, तो हरि सिंह कौन है, हरि सिंह की लाइफ की कहानी क्या है, क्या क्या इवेंट्स हुए, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। तो लास्ट में मैं इतना बता दूँ कि देखो, हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूटी होंगी, तो आपको अगर लगता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो कमेंट में लिख दिया करो, बाकी भी आपके भाई बहन हैं इनको भी समझ आ जाएगा, इनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी वो भी नीचे बता देना, मुझे जो लगेगा कि मुझसे कोई गलती हुई वो करेक्शन करके, जैसे मैंने आपको बताया पिन कमेंट चेक किया करो हर वीडियो का, वहाँ पर मैंने करेक्शन की होती, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है मैंने मिस कर दी वो भी मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम ऐड करता रहता हूँ, तो पिन कमेंट्स देख लिया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।